हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मस्ती एंड फूड चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली की सब्जी। तो चलिए देखते हैं मूली की सब्जी कैसे बनती है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच हींग। अब मैं इसमें डालूंगी 7 से 8 छोटे लहसुन बारीक कटे हुए। अब मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्ची, 1 बारीक कटी हुई डाला है मैंने, और आधा छोटा चम्मच बारीक अदरक चॉप करके डाला है मैंने, और अभी मैं एक मीडियम साइज प्याज मैंने बारीक कट करके डाला है। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे प्याज को 2 से 3 मिनट हम थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा भून लिया है 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए मूली, और हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। हम थोड़ी देर मूली को ऐसे ही पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हम ऐसे ही इसको चलाएंगे। इसे 2 से 3 मिनट हम ढक के पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन निकालेंगे और चेक करेंगे। हमारी मूली थोड़ी सी हल्की सी भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर। एक मैंने मीडियम साइज टमाटर लिया है, जिसके मैंने अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में मैंने 1/4 चम्मच हल्दी डाला है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और 1 छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। अभी हम इसमें स्वाद के अनुसार, आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल दीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे मिक्स करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। हमारी मूली अच्छी तरीके से पकने के लिए हम इसको थोड़ा ढक के पकाएंगे। लगभग आप 3 से 4 मिनट इसको ढक के पकाना है। हमारी मूली ऑलमोस्ट अभी पक चुके हैं। हम इसे और 2 मिनट ढक के पकाएंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटाएंगे।
अब हमारे मूली अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ पत्ता मूली के, हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मूली के पत्तों को मूली के साथ में। अच्छे से इसको मिक्स करके और हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ढक्कन हटाएंगे हम। ये देखिए हमारी जो मूली की सब्जी है ये पानी छोड़ रहा है थोड़ा सा, तो हम इसको पूरा इसका पानी ड्राई होने तक पूरा सूखने तक हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब हम इसको ढक के नहीं पकाएंगे, हम इसको बिना ढक्कन के ही पकाएंगे ताकि हमारी सब्जियां एकदम हरी हरी दिखे, ग्रीन, इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी सब्जी। हम इसको इसी तरीके से कम 3 से 4 मिनट ऐसे चलाएंगे और इसी तरीके से हम इसे पका लेंगे पानी सूखने तक। देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन के तैयार हो रही है हमारी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि ये सब्जी आपको किस तरीके से लगी, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए आपकी सब्जी कैसी बनी। ये देखिए हमारी सब्जी, अब मूली की सब्जी बन के तैयार हो गई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ।